Good morning, students. I'm well here, and I hope you are also well at your home. Today we are in the second phase of our revision. Today we will start chapter number second, that is microorganism friend and foe. We are going to discuss about the question answers. So concentrate throughout the video, and you will be able to answer each and every question given in that particular chapter. So ensure me that you are watching the video completely. So let us start chapter number second, that is microorganism friend and foe. Clear? In this, let us start question number first, that is fill in the blanks. First question is, fill in the blanks. ठीक है, पहला पार्ट. माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी सीन बाय द हेल्प ऑफ, माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी सीन बाय द हेल्प ऑफ, पहला माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नॉर्मल आई से देख नहीं सकते, तो इसके लिए जरूरत किसकी पड़ती है, माइक्रोस्कोप की. दूसरा क्वेश्चन क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. दूसरा पार्ट क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश की जगह नाइट्रोजन, वो किसको फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को, फ्रॉम एटमोस्फेयर फेयर टू इनहेंस, इनहेंस मतलब बढ़ाना होता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. क्लियर है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा. वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम. तीसरा है कि एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, तो तीसरे में एल्कोहल को अगर प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस्ड बाय, तो एल्कोहल किससे प्रोड्यूस होता है बेटा, तो हमारा आंसर होगा ईस्ट से. किससे, ईस्ट, वाई ई ए एस टी, ईस्ट. चौथा पार्ट है, कोलेरा इज कॉज्ड बाय, कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया. आई होप यहां तक क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात हम करते हैं. सेकंड में क्या है, टिक द करेक्ट आंसर. ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, देखो बेटा, ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, इन प्रोडक्शन ऑफ डैश, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल किससे प्रोड्यूस होता है, ईस्ट से, तो कहीं ना कहीं ईस्ट से क्या प्रोड्यूस होगा, तो हमारा आंसर क्या है, अल्कोहल. क्लियर है. नेक्स्ट थर्ड सेकंड का सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, देखते हैं. द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, बेटा एंटीबायोटिक का अगर एग्जाम्पल आपको देखना है तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल, नहीं, उसके बाद यहां पर जो दिया है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, यहां के हिसाब से हमारा आंसर क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग इज, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज, मलेरिया causing protozoa is, तो बेटा मलेरिया causing protozoa हमारे पास कौन सा है, तो कभी भी ध्यान रखना है कि मलेरिया कौन कॉज करता है, तो हमारा आंसर क्या है, फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो.
कौन सा है? फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो. फोर्थ, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज. देखो बेटा, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज तो बेटा कम्युनिकेबल मतलब होता है एक चीज से दूसरे चीज को हो जाना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाना, संक्रमण जिसको कहते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस है. तो उसका जो कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे बेस्ट कैरियर है वो कौन सा है? हाउस फ्लाई, घर में जो मक्खी घूमती है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट. वो क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पार्ट है द ब्रेड और इडली डफ राइजेस बिकॉज ऑफ. द ब्रेड और सेकेंड का ई पार्ट है, द ब्रेड और इडली डफ राइजेस बिकॉज ऑफ. ऑफ डैश क्या है बेटा? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल. किसकी वजह से होता है? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल बढ़ जाने की वजह से ये इडली डफ में आपने देखा नहीं हो, ब्रेड जो होता है उसको अगर हम कई दिन तक खाली छोड़ दें तो उसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होने लग जाते हैं, वो ब्राउन कलर का होने लग जाता है. क्यों? क्योंकि उस पर ईस्ट सेल ग्रो करने लग जाते हैं. आई होप क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल इज कॉल्ड. शुगर से अगर एल्कोहल बनाना है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा फर्मेंटेशन. क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन. इसको सड़ाना भी कहते हैं. ठीक है, कोई भी चीज अगर सड़ जाती है, किसी भी चीज का सड़ना फर्मेंटेशन कहलाता है. और अगर शुगर से आपको बनाना है एल्कोहल तो उसके लिए फर्मेंटेशन का यूज करना पड़ेगा. आई होप क्लियर है. थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग बैक्टीरिया राइजोबियम लैक्टोबेसिलस. मैच द फॉलोइंग है तीसरा. है उसमें पहला है बैक्टीरिया राइजोबियम लैक्टोबेसिलिया. बैक्टीरिया दूसरा राइजोबियम तीसरा लैक्टोबेसिलियस. चौथा ईस्ट. पांचवा ये प्रोटोजोआ. छठा वायरस. ए प्रोटोजोआ और छठा वायरस. यहां पर कॉलम बी है पहला पार्ट, फिक्सिंग नाइट्रोजन सेटिंग ऑफ कार्ड. दूसरा सेटिंग ऑफ कार्ड. तीसरा बेकिंग ऑफ ब्रेड कॉजिंग मलेरिया. चौथा कॉजिंग मलेरिया. पांचवा कॉजिंग कोलेरा कॉजिंग एड्स. छठा
कॉजिंग एड्स, और सातवां प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि बैक्टीरिया से क्या होता है। हमने अभी तुरंत पढ़ा था कोलेरा, राइजोबियम की बात करें तो मैंने अभी बताया था आपको फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, इसमें ए और इसमें ई। लैक्टोबेसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड में काम आता है बेटा, बी पार्ट। लैक्टोबेसिलस का काम क्या है? सेटिंग ऑफ कर्ड का। उसके बाद ईस्ट, ईस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड में काम होता है, इसका सी ऑप्शन। प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ में अभी आपको बताया था कि मलेरिया कॉज करता है, डी वायरस। वायरस के दो दो काम है, एक कॉजिंग एड्स एचआईवी वायरस है और दूसरा प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। मीन्स व्हाट कि एफ और जी दोनों ही किसके ऑप्शन है? वायरस के। क्यों? क्योंकि ये दवा बनाने में भी काम आता है और ये एड्स भी कॉज करता है। आई होप क्लियर हो गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, वो क्या है हम एक बार देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद नेकेड आईज, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। क्वेश्चन 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन बाय नेकेड आईज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन बाय नेकेड आईज, आईज इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, हाउ कैन दे बी सीन। हम क्या कहेंगे? नो, आंसर हमारा क्या है? नो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नहीं देख सकते नेकेड आईज से, इट कैन बी सीन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, इट कैन बी सीन By using microscope, clear है? यहां तक शायद आपकी समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वो क्या कह रहा है हम देखते हैं। What are the major group of microorganism? Major group of microorganism की अगर हम बात करें बेटा, कौन कौन से हैं? पहला वायरस, सॉरी वायरस एक अलग कैटेगरी में आता है, हम कहेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा फंगी, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा एल्गी। ये चार है बेटा, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी और बैक्टीरिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है? नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो हम क्या कहेंगे, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो हम कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी या फिर राइजोबियम, इन दोनों में से कोई भी है, फिक्सेस द नाइट्रोजन टू द सॉइल। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि है
Write 10 lines on usefulness of microorganism. 10 lines on usefulness of microorganism. 10 lines, question number 7. 10 lines on usefulness. Pehla, conversion of milk into curd. दूसरा फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. कीपिंग एनवायरनमेंट क्लीन. बाय डिकम्पोजिशन. चौथा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन. पांचवा एक्टिंग एज फूड टू एनिमल्स. सिक्स कीपिंग पीपल हेल्दी. सेवेंथ मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस. इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं. अभी हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं. अब कीपिंग एनवायरनमेंट क्लीन इसलिए क्योंकि मरे हुए जीव जंतु को डिकम्पोज भी यही करते हैं. उसके बाद वायरस जो है वो मेडिसिन बनाने में काम आता है. उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक्वेटिक एनिमल को खाना प्रोवाइड कराते हैं. उसके बाद लोगों को स्वस्थ रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि मरे हुए जीव जंतुओं को डिकम्पोज करते हैं जिससे आदमी स्वस्थ रह पाता है. उसके बाद नेक्स्ट है इकोलॉजिकल बैलेंस. बैलेंस ऑफ इकोलॉजी मीन्स वर्ड की कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होने देते या कुछ भी कम नहीं होने देते. उसके बाद चूंकि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को भी वो इंक्रीज करते हैं. तो ये 8 है. एक दो और भी बहुत सारे यूजेस हैं. फिलहाल हम 8 के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं. कैसे? अगर हम हार्मफुल इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, पहला कॉजेस फूड पॉइजनिंग. दूसरा कॉजेस डेडली डिजीज. तीसरा कॉजेस हेल्थ इश्यूज. चौथा रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटनिंग ऑफ फूड, या हम ये कह सकते हैं फर्मेंटेशन ऑफ फूड. तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. जैसे खाने में पॉइजनिंग होना, ये बैक्टीरिया की देन है. उसके बाद बहुत सारी डिजीज है जैसे कोलेरा, टाइफाइड, इन सब बीमारियों की जड़ यही है. उसके बाद हेल्थ इश्यूज, हमें पता है कि बीमारियां होंगी तो हम जो है वो हेल्दी नहीं रह पाएंगे. और उसके बाद फर्मेंटेशन, खाने के सड़ जाने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि ब्रेड जैसे खानों में क्या होता है कि ईस्ट अटैक करने लग जाता है, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. आई होप क्लियर है यहां तक. नाउ लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है? व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? क्वेश्चन नंबर 9 है. एंटीबायोटिक्स क्या है?
बेटा तो एंटीबायोटिक्स को समझने के लिए ये जानिए कि एंटीबायोटिक्स आर द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज मतलब ये कि वायरस के अगेंस्ट काम करने वाले, अंडरस्टूड और नॉट? मींस व्हाट कि एंटीबायोटिक्स आर द एंटीबॉडीज दैट हेल्प्स अस टू क्योर अस फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस एंड प्रोवाइड्स रिलीफ इमीडिएटली, तुरंत ही आराम देता है ये, प्रोवाइड्स रिलीफ इमीडिएटली। आई होप क्लियर है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो तुरंतली या इमीडिएटली का मतलब तुरंत है, तुरंत ही क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है आराम। ठीक है, हमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? डू नॉट टेक एंटीबायोटिक विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर। डू नॉट टेक एंटीबायोटिक विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर, विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर। आई होप क्लियर है, समझ में आ गया होगा। और दूसरा और लास्ट पॉइंट ये है, डू नॉट टेक ओवरडोज, ज्यादा ना खा लें अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो, टेक ओवरडोज ऑफ इट। आई होप क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एज वी हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर सेकंड ऑल्सो, आई विश कि आप इसको पढ़ें, समझें और एग्जाम में बहुत अच्छे से करें, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। अब ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।